ভোগা ভোগ করুছু हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माशा ऑफिशियल। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का 6 बज रहा है और हम लोग आप यहाँ पे साइकिलिंग के लिए आए हैं और वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए आए हैं मोस्टली। तो हम 5 बजे से आके यहाँ पे रुके हैं। तो ये हमारे घर से 8 किलोमीटर होगा, मतलब 8 किलोमीटर हम लोग आए हैं। और मेरी मुंह थोड़ी सी अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ी सी वेट लूज कर रही हूँ, इसलिए ऐसे दिखे हूँ। मेरी पहले वीडियो और अभी का वीडियो आप लोग अगर कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं थोड़ी सी लूज कर रही हूँ। लूज मीन्स मैं फेस फैट लूज कर रही हूँ और मेरी जो वेट लॉस है बॉडी का, वो थोड़ी धीरे धीरे हो रहा है। तो आपको ये बहुत सुंदर सा जगह दिखाने के लिए मैं अभी वीडियो स्टार्ट की हूँ। और आप लोग मेरी बर्थडे का वीडियो देख चुके होंगे, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। और तो स्टे विथ मी और प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लगा ये मेरी वीडियो। और आपको ऐसे ही हम लोग ना 8 दिन हो गया है साइकिलिंग करे। और पहले हम लोग ऐसे जॉगिंग के लिए आते थे, हाँ तो 8 किलोमीटर हम लोग चल के आते थे। तो अभी हम लोग साइकिल से आ रहे हैं और सारा बलांगीर हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर चल चल के तो सारे जगह नहीं जा पाते हैं। तो थोड़ी दूर हमें 10-15 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है। तो हम साइकिल ही अफोर्ड कर रहे हैं, हम साइकिल से ही आ रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं साइकिल। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और भी बहुत जगह हम लोग जाते हैं। तो मैं सारी जगह आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी सुबह सुबह का टाइम। और आज बलांगीर में शटडाउन है, सैटरडे संडे शटडाउन हो रहा है यहाँ पे। सो फिर भी हम लोग आ गए हैं और अभी चले जाएंगे, 6:30 तो रहेंगे, रुकेंगे और चले जाएंगे। सो स्टे विथ मी और आपको और भी अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह देखने को मिलेंगे। और हाँ, मैं थोड़ी सी खाली हो गई हूँ क्योंकि जब मैं वेट लॉस करती हूँ तो ऐसे स्किन में फ़र्क पड़ता है और वो धीरे धीरे फिर मेकअप हो जाता है। सुबह सुबह का टाइम है तो प्लीज़ इग्नोर मी। तो चलिए मैं आपको जगह दिखाती हूँ। तो गाइस, ये है हमारी जगह, ये इसको बोलते, ये सदाई वाली एरिया है और ये हाथी पहाड़ बोलते हैं इसको। देखिए ये पहाड़ को हाथी, ये मेरी फ्रेंड है, आपको ये आपको मेरे बर्थडे के दिन देखे होंगे। और मेरी जो मैं जो फ्रेंड के घर गई थी उस टाइम में मैं आपको दिखाई थी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं और ये यहाँ पे क्या इंडियन ऑयल कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस है, मतलब टेक्निकल कॉलेज जो बीटेक या और कुछ ऐसे होता है कॉलेज, मतलब पॉलिटेक्निक, ये सब कुछ है। और बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब सुंदर दिख रहा है, सनसेट बहुत सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी तालाब है और ये तालाब एक्चुअली यहाँ पे ना मिट्टी ले जाते हैं, इसलिए मिट्टी जब हम लोग लेते हैं तो वो खाल गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढा में पानी भर रहा है। बारिश हो रहा है, कल रात को बारिश हुआ था इसलिए यहाँ पे पानी है, लेकिन तालाब वहाँ पे है, ये तालाब नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर दिख रहा है। तो इतना, और मैं आप और भी जगह दिखाऊँगी आपको। यहाँ पर सोलर प्लांट भी है, ये है सोलर प्लांट, मैं आपको पास में जाके यहाँ पे दिखाऊंगी। क्योंकि हमारे उड़ीसा में 2 जगह में सोलर प्लांट हैं और
एक बलांगीर में है और एक तालचेर में है शायद, मुझे उतना खास नहीं पता, अगर आप लोग पता है तो बोलना। तो हमारे यहाँ पे एक ठो है तो सोलर प्लांट बहुत बड़ा है, तो आपको सोलर प्लांट दिखाऊंगी आज। और ये हाथी पहाड़, इसको हाथी पहाड़ बोला जाता है क्योंकि ये हाथी जैसे सेब है ना, देखिए। तो मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ पता है, तो थोड़ी दिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर अच्छा दिखने लगूंगी। तो गैस ये है हमारी सोलर प्लांट, जो कि मतलब मैं बोली थी जैसे कि हमारे ओडिशा में दो जगह पे है और यहाँ पे एक है, तो मार्टिलाइज का पार्ट टू है और उसके आगे और एक जगह है। तो ये देखिए सोलर प्लांट, जो मतलब सोलर प्लांट आप सब लोग को पता होगा कि जो सूरज के किरणों से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसको हम लोग सेव करते हैं, किरण को मतलब सूरज की किरण को हम सेव करके रखते हैं, उसी को बोला जाता है। तो ये है वही प्लांट। मोर मुख के अंदर उड़ता है जो जिस समय आलू है ना, मुंह पूरा फुलका फुलका दिखते लाल ला अबे ठीक है ना, इसमें ना मैं सूखला है ना, दिखते हैं से बोले कोला कोला पड़ी है इसमें, जहाँ काली बिल्ली काली बिल्ली कहीं ची कहीं ची बोले सोलर प्लांट ही देखा सी सबके इरा दुइट नंबर तक आ गई ताल से ना। हां मेरे नेट पे के सर्च कर दो, मुझे लगा से ताल से थे थोड़े से पूरी थी गई और सारे दुइटा नोट्स ना করেছে তো। तो गाइस ये देखिए सोलर प्लांट आपको, और एक जो पार्ट टू में बोल रही थी उस वही जगह है ये, मैं उस तरफ सॉरी ये पार्ट वन है और वो पार्ट टू है, मतलब मैं पार्ट वन इसलिए बोल रही हूँ, मैंने दो भाग किया है इसको, पार्टीशन कर दिए हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये जगह पहला पड़ता है, तो पीछे से और भी ज़्यादा है सोलर प्लांट, मतलब सोलर जो सिस्टम बोला जाता है वही है। तो देखिए बहुत सारे हैं, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी सेव किया जाता है सूरज के किरणों से, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हमारी साइकिल आ गई है, हम लोग साइकिल के पीछे 2-3 किलोमीटर गए थे चल के, और अभी हमें जाना है 8 किलोमीटर घर जाना है। सो हम लोग अभी रिटर्न करेंगे, 6:30 बज गए, हम लोग 5 बजे से आए थे, तो 2-2.5 घंटे यहाँ पे हम लोग बिताए हैं। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह सूरज जी का दर्शन मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए तो गाइस हम अभी रिटर्न करेंगे, घर जाएंगे अभी, तो हम वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं चल के। तो आपको मैं दिखा रही थी ये है सोलर प्लांट,
जो कि सेकेंड हमारे बलांगीर का मतलब उड़ीसा का सेकेंड प्लेस है जो सोलर प्लांट है जो जो जगह में, तो वहीं का है। और हम लोग जाएंगे वहाँ पर जाएंगे, मतलब इधर जाएंगे घर जाएंगे, तो यहाँ से घर 8 किलोमीटर है, तो हम लोग 8 किलोमीटर साइकिल से आए हैं। हम लोग डेली एक्सप्लोर करते हैं बलांगीर, वो क्या है 8-10 दिन हो गया है हम लोग साइकिल से आ रहे हैं, और पहले हम लोग चल चल के आते थे, यहाँ तक भी आते थे हम लोग चल चल के, तो अभी थोड़ा साइकिल में आ रहे हैं क्योंकि पता ही ना अभी कि नहीं जा पाते हम लोग चल के, इसलिए तो देखते हैं मैं कब सूखती हूँ, मैं कब पतली होती हूँ। तो गाइस मेरी ये ब्लॉग इतना ही है, और फिर कल एक और जगह अगर जाएंगे हम लोग तो मैं अगर आपको दिखाऊंगी, अगर पता नहीं हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे आएंगे क्योंकि शटडाउन है टाउन में कि कहीं और नहीं जा पाएंगे हम लोग, तो इसलिए यहीं पे ही आने के लिए सोच रहे हैं, तो कल मिलते हैं हम लोग। सो टिल देन बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के चले जाते हो ऐसे ही, तो ये अच्छी बात नहीं है। सो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और प्लीज़ कमेंट बताओ कि आपको बलांगीर का कौन सा जगह आपको अच्छा लगा, और आप कौन सा जगह देखना चाहते हो, तो मैं वहाँ पे साइकिल से जाके आपको दिखाऊंगी। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। भोग करूचु।